दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनिल झा जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अनिल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। अनिल जी बताते हैं कि बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल की रही होगी। हर साल हमारे गांव में काली पूजा के दिन मेला लगा करता था। मेला हमारे गांव में 2 से 3 दिन तक रहता था जिस दौरान हम घर से ज़्यादा मेले में ही वक्त बिताते थे। खैर हर साल की तरह इस साल भी मैं और मेरा दोस्त कुमार मेला देखने निकल गए। अभी हम मेला घूमते हुए इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी कुमार ने मुझसे कहा, यार कब तक हम गांव के ही मेले में घूमते रहेंगे, चल आज गांव से बाहर चलते हैं। इस पर मैंने कुमार से कहा, हाँ यार आखिरकार बड़े हो गए हैं हम, अब हमने तय कर लिया कि हम यहाँ से घर ना जाकर बगल के गांव में मेला देखने जाएंगे। बगल के गांव में जाकर हमने मेला देखा और खूब सारी मस्ती की। अब हम मेले की भीड़ कम होने लगी थी। जब हम मेले से बाहर निकल रहे थे तब वक्त हो रहा था रात के तकरीबन 12 बजे का। अमूमन इस वक्त हम लोग घर में सो रहे होते हैं। चूँकि हम अपने गांव से दूसरे गांव में मेला देखने आए थे जिस वजह से हमें घर पहुंचने में वक्त लगने वाला था, जिस कारण हमने बादाम वाले से बादाम खरीदा। अभी हम बादाम खाते खाते आगे बढ़े जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी जिस वजह से सड़क पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। पूरे रोड में एक तो जगह ही लाइटें थी, बाकी पूरा का पूरा रोड अंधेरे में डूबा हुआ था जिससे हमारी थोड़ी हिम्मत सी टूट रही थी। तभी कुमार ने मुझसे कहा, भाई तू यहीं रुक, मैं अभी आया। यह बोलकर कुमार झाड़ियों के पीछे पेशाब करने निकल गया। कुमार को गए हुए कुछ वक्त ही बीता होगा कि तभी मुझे कुमार के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैं झाड़ियों में गया। वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक अदृश्य शक्ति कुमार को घसीटते हुए जंगल के भीतर ले जा रही है। देखते ही देखते कुमार अजीब सी हरकतें करने लगा, मानो कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच वो अदृश्य शक्ति हमारे सामने आ गई। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। उसके चेहरे से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका पूरा का पूरा शरीर जला हुआ था। तभी पीछे से आ रहे 2 आदमियों ने हमारी मदद की। उनके आते ही वो जला हुआ आदमी मेरे आंखों से ओझल हो गया, जिसके बाद उन आदमियों ने हमें घर छोड़ दिया। घर पहुंचते ही पहले तो घर वालों ने हमें बहुत डांट फटकार लगाई, फिर हमें कहा कि खबरदार अगर तुम लोग बिना बताए घर से बाहर गए तो। रात भर में कुमार की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। सुबह होते ही जब उसे ओझा के पास ले जाया गया तो पता चला कि कुमार ने कल रात किसी के लोटे में रखे हुए अस्थियों में पेशाब कर दिया था, जिसके बाद ओझा ने उसके हाथ में एक ताबीज बांध दिया। उसके बाद कुमार बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी अनिल झा जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें क्रीपी संडे को। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तब तक के लिए बाय बाय।